अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज अपने कस्टमर्स के लिए लेकर आए हैं हिडन चार्जर कैमरा, जो कि आप अपने सामने देख सकते हैं। हमारे पास कैमरे से रिलेटेड काफ़ी प्रोडक्ट्स होती हैं, तो कुछ हिडन कैमरास के लिए भी लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई हिडन कैमरास भी लॉन्च करें। तो आज अपने कस्टमर्स के लिए हिडन कैमरा लेकर आए हैं, जो कि USB चार्जर की शेप में है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, इसमें कोई लंबी चौड़ी कन्फिग्रेशंस नहीं है। इजी एंड प्लग एंड प्ले है, इजी टू यूज़ है, और इसका डाटा एक्सेस करना भी इजी है। जैसा कि आप अपने सामने देखेंगे, ये एक चार्जर है, USB शेप का चार्जर है, जो कि इसके अंदर एक हिडन कैमरा है, जो कि अपने सामने देख सकते हैं। ये इसका हिडन कैमरा है। इसके अलावा इससे माइक्रोफोन भी है, और इसके अलावा इसके अंदर एक नोटिफिकेशन की लाइट भी है, और यहाँ पर सिंपल USB की पोर्ट है, जिससे आप कोई भी मोबाइल चार्ज भी कर सकते हैं। अब इसका प्रोसीजर ऐसे है कि आप इसमें सिंपली मेमोरी कार्ड इंसर्ट करें। ये 8 GB तक का मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है, और फुल 1080p की आपको वीडियो प्रोवाइड करता है। आप सिंपली इसको किसी भी पावर सॉकेट में लगा दें, तो ये इसके अंदर कार्ड अगर आपने लगाया होगा तो ये वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही आप इसको निकालेंगे और इसका कार्ड आप निकाल कर कार्ड रीडर में लगाएंगे, तो उसके अंदर वीडियो आपकी स्टोर्ड होगी। इतना सिंपल सा इसका प्रोसेस है। बाकी इसके साथ इसकी फेस प्लेट आती है। बॉक्सिंग पहले आपको दिखा दूँ, ये इसका बॉक्स है, देखें, M1 HD 1080p चार्जर कैमरा है, जिसकी कुछ स्पेसिफिकेशन बॉक्स पे लिखी हैं। आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी हुई हैं कि ये 1 8 GB तक SD कार्ड सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें और भी कुछ फीचर्स बताए गए हैं। तो ये 1080p की वीडियो रेजोल्यूशन इसकी है, फुल 1080p HD वीडियो रिकॉर्ड करता है, और इसके अलावा इसमें कोई लंबा चौड़ा कन्फिग्रेशन का सिस्टम नहीं है। इसकी पैकेजिंग में एक कैमरा आएगा, जो कि चार्जर की शेप में है। कैमरे की एक बैक प्लेट आएगी, जैसे कि अभी ये कुछ विजिबल हो रही हैं चीज़ें, जब इसकी बैक प्लेट ऊपर लग जाएगी ये ग्लॉसी मटेरियल की, तो ये बिल्कुल भी किसी को पता नहीं चलेगा कि ये कैमरा है या चार्जर है। सो ये इसके साथ आएगी, और इसके अलावा इसकी एक डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए USB A to A केबल आएगी। सिंपल आप इसको यहाँ पर लगाएँ, और इसको आप अपने लैपटॉप में लगाएंगे तो आप इसका डाटा एक्सेस कर सकेंगे। इसके अंदर 8 GB तक का कार्ड सपोर्ट करता है। बाकी इसके साथ एक कार्ड रीडर भी आएगा। अगर आप डायरेक्ट ये केबल आपसे लॉस्ट हो जाती है या आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप इस कार्ड रीडर के थ्रू या किसी भी कार्ड रीडर के थ्रू डाटा एक्सेस कर सकते हैं। सो ये मैं दिखाता चलूँ इसका कार्ड कहाँ पर इंसर्ट होना है। ये इसकी एक फेस प्लेट है, इसमें डबल फेस प्लेट है। आप इस फेस प्लेट को उतारेंगे तो इसके नीचे ये आप इसकी सर्किटरी देखेंगे पूरी। ये इसकी डाटा एक्सेस करने की पोर्ट है, ये इसका कैमरा है, ये इसके अंदर माइक्रो SD कार्ड की स्लॉट है, और इसके अंदर L और M का फंक्शन है। L और M का फंक्शन ये है कि जब आप इसको सॉकेट में लगाने से पहले L पे कर देंगे, तो जैसे ही आप सॉकेट में लगाएंगे इसको, तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा और कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग करेगा जब तक आप इस कैमरे को उतार नहीं लेंगे या जब तक मेमोरी फुल नहीं हो जाती। और M पे अगर करके आप सॉकेट में लगाएंगे, तो M से मोशन डिटेक्शन है। जैसे ही कोई मोशन डिटेक्ट करेगा, ये उसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा, और आपको अराउंड वो मोशन डिटेक्शन के बाद कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग होती रहेगी जब तक आप इसको उतारेंगे नहीं। सो इतना सिंपल सा इसका प्रोसीजर है। साउंड भी रिकॉर्ड करता है, वीडियो भी रिकॉर्ड करता है, फुल 1080p में रिकॉर्ड करता है। इसके साथ इसका एक मैनुअल आता है, जिसके अंदर इसकी कुछ तफसीलात प्रोवाइड की गई हैं, जैसे कि ये 12 MP का कैमरा है इसका। इसके अलावा 1080p की रेजोल्यूशन है, 30 FPS की वीडियो बनाता है, और इसके अंदर मज़ीद इसके फीचर्स बताए गए हैं, जो कि आप जब इसको परचेज़ करेंगे, तो अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर हो, तो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। ऑर्डर करने के लिए अभी यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अल्लाह हाफिज़।